जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया रिपब्लिक डे कैंप, जो आपका एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप माना जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, राइट? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम टाइम में मैं सम अप कर पाऊँ पॉइंट्स। देखो, सबसे पहला आपका पॉइंट आता है कि आप अलग अलग पर्सनालिटीज से मिलते हैं। इनफैक्ट अलग पर्सनालिटीज और ग्रेट पर्सनालिटीज, जैसे आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर आप जैसे गार्ड के अंदर भी सिलेक्ट होते हैं ना, तो ये लोग हो गए आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ, एयरफोर्स स्टाफ, ये लोग आते हैं, आप इनको गार्ड चढ़ाते हो, जो अपने आप में ये सबसे बेस्ट मौका होता है। आप राजपथ पे सिलेक्ट होते हो, राइट? आप उन जैसे आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इन सब के डिफेंस के जो स्क्वाड्रन है उनके बीच में आप चल रहे होते हो, है ना? मतलब उनकी एज देखो यार, और इतनी कम एज में आप मतलब प्रेसिडेंट को के आगे आप ड्रिल करते हो, तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, है ना? शायद लगता नहीं होगा कभी सोच के, लेकिन ये चीज एक्चुअल में एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप YP में जाते हैं तो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, राइट? जैसे आप बाहर जाते हैं फॉरेन नेशन में, तो रिप्रेजेंट करते हो अपनी कंट्री को, तो डेफिनेटली यार ये एक बहुत बड़ी चीजें हैं। अगली चीज है कि यार आप ना आप सीखते हो एट एवरी स्टेप ऑफ रिपब्लिक डे कैंप। लेट्स से कि आपके कैडर्स लग गए, आपको आपके जो कर्नल सर हैं दे टीच यू, आपके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो आपको सिखाते हैं, तो आप एक तरीका, आप एक आर्मी लाइफ का चलन सीख पाते हो, राइट? जैसे कि आप खाना पीना हो गया, मतलब एक बहुत जो अमेजिंग लाइफ होती है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि आर्मी अपने आप में एक आर्मी की अलग ही दुनिया है, और ये चीज़ ट्रू भी है। तो काफ़ी हद तक आप RDC करते हैं तो आपको इस चीज़ों का भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं कमांडिंग ऑफिसर के साथ थी एक बार RDC में, तो तब उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि उनका एक बहुत क्लोज फ्रेंड, ही लॉस्ट हिम इन द कारगिल वॉर। तो यार काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप उनसे सीखते हो, उनके साथ उठते बैठते हो ना, तो वहीं से आप उनकी चीज़ें देखते हो और काफ़ी कुछ सीखते हो आर्मी लाइफ के बारे में। अगली चीज़ ये है कि देखो, आप अपना रिपब्लिक डे कैंप करके जब आते हो, अपनी यूनिट पे आते हो, अपने बटालियन पे आते हो, तो डेफिनेटली ये एक बहुत रिस्पेक्ट की बात होती है कि आपने इतना बड़ा कैंप करा है, राइट? तो आपके जो जूनियर्स हैं वो आपको आइडलाइज करते हैं, वो आपसे सीखते हैं कि यार हाँ, हमारे सर ने, हमारे मैम ने ये कैंप लगा कर आए हैं, तो उनके लिए आप मतलब उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट वाला फैक्टर भी होता है, वो आपसे सीखना भी चाहते हैं, वो आपको आइडलाइज भी करते हैं। और जूनियर्स तो जूनियर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो CO सर होते हैं, आपकी जो यूनिट पे जो आपके जो PI स्टाफ होते हैं, उन सब में, इनफैक्ट आपके ANO सर, तो दे ऑल हैव अ थिंग फॉर यू, जो काफ़ी अनएक्सप्लिसिट है, यू नो। अगला पॉइंट आपका आता है कि जब आपका सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होता है, जो रफली आपका 500 मार्क्स का होता है, तो उसमें आपको 10% मार्क्स बोनस मिलते हैं रिपब्लिक डे कैंप करके। दैट मींस कि आपको 50 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जैसे यूजुअली एक कैडेट की जिसने रिपब्लिक डे कैंप करा है, उसके एक अल्फा ग्रेड आने के काफ़ी हद तक चांसेस बन जाते हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोग होते हैं जो अल्फा ग्रेड से निकाल लेते हैं इसे। वो सबसे बड़ी चीज़ आप जानते ही हो, सी सर्टिफिकेट करने का बेनिफिट, जैसे आपको CDS नहीं लिखना पड़ता, आप डायरेक्टली इंडियन आर्मी में, SSB में आप जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन कई सारे फॉर्म्स ऐसे होते हैं ना जिसमें आपका रिपब्लिक डे कैंप करेंगे, लाइक आपके बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपने RDC करा होता है तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाते हैं। सी, नॉट ऑल द फॉर्म्स, बट हाँ, काफ़ी फॉर्म्स में ये प्रोविजन होता है। अगला आपका पॉइंट ये है कि दिल्ली का दर्शन करवाया जाता है, ये भी आपका RDC के अंदर ही आता है, राइट? और इसमें आप लोग मफ्ती पहन के जाते हो, और आप पूरी मतलब अलग अलग जो हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, वहाँ पे आपको विजिट करवाया जाता है, जो अपने आप में एक बहुत अमेजिंग मतलब अमेजिंग मोमेंट होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो साउथ से बिलोंग करते हैं, ईस्ट से बिलोंग करते हैं, जिन लोगों ने दिल्ली को ऐसेज कभी देखा नहीं होता। देन वी कम टू अ नेक्स्ट पॉइंट कि आपको टी पार्टीज में बुलाया जाता है, आप चीफ के घर जाते हैं, लाइक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, या आप डिफेंस मिनिस्टर से भी मिलने का आपको मौका मिलता है। लाइक आपके ना जैसे आपके ही बटालियन है, वहीं से ही कुछ कुछ बच्चों को पिकअप कर लिया जाता है कि ये बच्चे आर्मी स्टाफ के घर अकंपनी करेंगे, ये बच्चे एयरफोर्स स्टाफ के लिए, ऐसे करके दे जस्ट चूज यू।
राइट. लेकिन ऑनेस्टली वो एक्सपीरियंस बहुत मेसमराइजिंग होता है. आई विजिटेड द चीफ ऑफ नेवी स्टाफ एंड उनका फेस, द वे ही मेट अस, है ना, हर चीज़ आसपास वो बहुत मोटिवेशनल होता है. टी पार्टीज अटेंड करना, ठीक है, आपके आते हैं इतने सारे चीफ गेस्ट आते हैं, कौन नहीं आता, हर कोई आता है ऑलमोस्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ, एफओ स्टाफ, ठीक है, देन योर इनफैक्ट आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की भी होम विजिट होती है. तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता होगा. अगली चीज़ कि यार आपका एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप रिपब्लिक डे कैंप है, तो आप लोगों को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. जब आपको लगता है मौका है यार, अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली अपना 100% दो. और देयर आर मेनी एग्जांपल्स व्हेन पीपल से कि मैम मतलब पार्शियलिटी हो जाती है. तो इस चीज़ के लिए ना मैं एक ही चीज़ आपसे बोलूँगी कि अगर आप बेस्ट हो, लाइक अगर आप 100% हो, आप बेस्ट हो सबसे, तो आपके साथ पार्शियलिटी हो ही नहीं सकती है. पार्शियलिटी उनके साथ होती है जो 19-20 पे होते हैं. अगर एक बच्चा 19 पे स्टैंड कर रहा है, अगला बच्चा 20 पे स्टैंड कर रहा है, तो हाँ, तो भैया देखते हैं आपके जो सीनियर्स होते हैं, दे पिक यू अकॉर्डिंगली, राइट. लेकिन अगर आप सबसे बेस्ट है ना, तो आपके साथ पार्शियलिटी नहीं हो सकती, बिकॉज आफ्टर ऑल हर डायरेक्टरेट अपने अपने बच्चों में से बेस्ट बच्चा छाटता है, राइट. हर डायरेक्टरेट ये चीज़ देखता है कि सबसे बेस्ट बच्चा आए हमारे पास, ताकि हमारे डायरेक्टरेट आगे जीते. और द फाइनल पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन इज, देखो यार, एनसीसी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है ग्रो करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए अपने आप को. तो यार जो कैंप्स आते हैं ना, तो कभी इसमें आपको ना अपॉर्चुनिटी ज़रूर लेनी चाहिए, ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए. और अगर नहीं कर पाए तो दैट्स ऑल राइट. बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नहीं कर पाते, लेट्स से उनकी आरडी की अपॉर्चुनिटी निकल जाती है हाथ से, और वो इतना डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि दे आर लाइक, अब तो हम करेंगे ही नहीं, हमसे होगा ही नहीं, एनसीसी हमारे बस की नहीं है. तो यार इतना इस चीज़ को डीपली लेने की ज़रूरत नहीं है. बहुत अच्छा कैंप है आरडी, बहुत अच्छा कैंप है, नो डाउट. लेकिन जो बच्चे अगर कोई नहीं निकाल पाया, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. बाकी कैंप्स हैं, यू कैन जस्ट अप्लाई इन दैट. तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर. जय हिंद.